नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा पेपर तृतीय के अधीन पाठ्यक्रम हिंदी गतिविधा का विकास, विशेषकर कहानी के विकास पर विचार करेंगे। इसका अध्ययन चार भागों में किया गया है। प्रथम भाग में हम कहानी के स्वरूप, कहानी की परिभाषाएं एवं कहानी के तथ्यों पर विचार करेंगे। द्वितीय भाग में विभिन्न कालों में हिंदी कहानी के विकास पर विचार किया जाएगा। तृतीय भाग में विभिन्न कहानी आंदोलनों पर विचार किया जाएगा एवं अंतिम भाग में हिंदी के कुछ प्रमुख कहानीकारों पर अध्ययन किया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं प्रथम भाग यानी कि कहानी के स्वरूप, कहानी की परिभाषाएं एवं तत्वों पर विचार करूंगी। कहानी के विकास से पूर्व हमें कहानी के स्वरूप को समझना होगा। प्राचीन काल में कहानी को गल्प, लघु कथा आदि विविध नामों से पुकारा जाता है। मनुष्य की कल्पना से कहानी का जन्म हुआ था। उस समय मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य था। आगे चलकर नीति, उपदेश, धर्म उपदेश, शिक्षा का प्रसार भी कहानी का उद्देश्य हो गया। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सभी में कहानियों के आधार पर ज्ञानोपदेश, धर्मोपदेश देने का निश्चित क्रम पाया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रचार के लिए पंचतंत्र की कहानियों का बड़ा ही प्रभाव था। हिंदी कहानी का उद्भव 20वीं शती के प्रारंभिक वर्षों में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ हुआ है। कहानी के स्वरूप के पश्चात अब हम कहानी की परिभाषाओं पर विचार करेंगे। कहानी की परिभाषा पाश्चात्य एवं भारतीय विचारकों ने इस प्रकार दी है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कहानी की परिभाषाएं। हडसन द्वारा कहानी की परिभाषा। लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव रहता है। हडसन के पश्चात अब हम एडगर एलन पो की कहानी की परिभाषा देखेंगे। उनके अनुसार कहानी वह गद्य विधा है जो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। भारतीय विद्वानों द्वारा कहानी की परिभाषाएं। इसके अंतर्गत हम प्रेमचंद की परिभाषा को देखेंगे। उनके अनुसार गल्प अर्थात कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। प्रेमचंद के पश्चात हम जयशंकर प्रसाद की परिभाषा देखेंगे। उनके अनुसार सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा रस की सृष्टि करना ही कहानी का उद्देश्य है। इस प्रकार विविध विद्वानों ने कहानी के संदर्भ में जो परिभाषा दी है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कहानी अन्य विधाओं में एक छोटी विधा है जिसका समय कम रहता है, जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव का इसमें चित्रण किया जाता है। कहानी की परिभाषाओं के पश्चात अब हम कहानी के तत्व पर विचार करेंगे। यूं तो मानव समाज में कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति आदिम काल से चली आ रही है और प्राचीन भाषाओं के साहित्य में इसकी परंपरा भी सुरक्षित है, किंतु हिंदी में कथा साहित्य का आविर्भाव 20वीं शताब्दी की देन है। आज कहानी शब्द एक विशिष्ट प्रकार की रचना के लिए रूढ़ हो गया है जिसके प्रमुख अंग है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, भाषा शैली, देशकाल, वातावरण तथा उद्देश्य। इन्हीं अंगों को कहानी का तत्व कहते हैं। अब हम कहानी के पहले तत्व कथा वस्तु पर विचार करेंगे। कथा वस्तु अर्थात कहानी का विषय। यह कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। किसी समय बिना कथा वस्तु के कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती थी, किंतु आज बिना कथा वस्तु के भी
कहानियों की रचना हो रही है। कथा वस्तु जीवन के किसी भी क्षेत्र से लिया जा सकता है। कथा वस्तु के तीन प्रमुख भाग होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। कहानी का शीर्षक विषयानुकूल, संक्षिप्त, आकर्षक और उत्साह बढ़ाने वाला होना चाहिए। कथा वस्तु के पश्चात अब हम कहानी के दूसरे तत्व पात्र एवं चरित्र चित्रण पर विचार करेंगे। आधुनिक कहानियों में चरित्र चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। आज वही कहानी श्रेष्ठ समझी जाती है जिसमें पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय लेखक किसी मनोवैज्ञानिक सत्य का निरूपण करे। कहानी में सबल और दुर्बल दोनों प्रकार के चरित्र होने चाहिए। कहानी के पात्र सजीव होने चाहिए जिससे कि कहानी यथार्थ लगे। पात्र एवं चरित्र चित्रण के पश्चात अब हम कहानी के अन्य तत्व संवाद या कथोपकथन पर विचार करेंगे। संवाद कहानी का प्राण तत्व है। संवाद कहानी में चरित्र का चित्रण, वर्णन में रोचकता तथा प्रवाह और कथा वस्तु को विकास की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। संवाद कहानी में स्वाभाविकता भी लाते हैं। संवाद सरल, छोटे छोटे एवं पात्रानुकूल होने चाहिए। संवाद के पश्चात अब हम कहानी के अन्य तत्व देश काल एवं वातावरण पर विचार करेंगे। कहानी में सजीवता तथा स्वाभाविकता की सृष्टि करने वाले तत्वों में देश काल तथा वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तत्व के अंतर्गत कहानी में देश काल का चित्रण, वेशभूषा, साज सज्जा, रहन सहन, आचार विचार, रीति रिवाज, प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन, नगर वर्णन आदि आते हैं। देश काल वातावरण के पश्चात अब हम कहानी के अन्य तत्व भाषा शैली पर विचार करेंगे। कहानी की भाषा वातावरण, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। सरल, स्पष्ट, शुद्ध, व्यवहारिक एवं गतिशील भाषा कहानी के सौंदर्य की वृद्धि करता है। शैली आकर्षक, हास्य व्यंग से युक्त होनी चाहिए। लोकोक्तियों एवं मुहावरों से युक्त भाषा शैली सुंदर मानी जाती है। भाषा शैली के पश्चात अब हम कहानी के अंतिम तत्व उद्देश्य पर विचार करेंगे। साहित्य के प्रत्येक विधा किसी न किसी उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर लिखी जाती है। कहानी भी किसी न किसी उद्देश्य से लिखी जाती है। इसका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन होता है। दूसरा उद्देश्य जीवन के तथ्यों का विश्लेषण तथा मानव मन का निकट से अध्ययन करना है। कहानीकार मानव जीवन से संबद्ध समस्याओं पर प्रकाश डालकर हमारा मार्गदर्शन करता है। आज हमने कहानी के स्वरूप, कहानी की परिभाषाएं एवं तत्वों पर विचार किया। अपने अगले वीडियो में मैं कहानी के विकास पर विचार करूंगी। धन्यवाद।